सपने नहीं हकीकत है बुनते, इसलिए सब लोग मोदी को चुनते। क्या लगता है बीजेपी ने सपने पूरे किए 10 सालों में? अपने तो कर ही लिए, अपने सपने तो पूरे कर ही लिए, किसी के किए हो ना किए हो, और वो बात अपनी कर रहे हैं, देश की जनता अपनी समझ रही है। आपकी नहीं हो क्या पूरे? अरे भाई, उनका तो भाषण ये था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई पे कंट्रोल वाला जो सपना था वो पूरा हुआ क्या? रोजगार वाला सपना पूरा हुआ क्या? स्कूल शिक्षा, महंगाई, बलात्कार मुद्दे, ये सारे सपने पूरे हो गए क्या? तो कैसी हकीकत बोल रहे हैं? तो रहे, देश तरक्की पे जा रहा है। तरक्की? कैसी तरक्की? कौन सी तरक्की बताओ मुझे, किसे कहते? पहले कहाँ था देश, अब कहाँ है? कहाँ था? पहले भी ज़मीन पे था, अब भी ज़मीन पर है। पहले भी हिंद महासागर के पास था, अब भी हिंद महासागर। टेक्नोलॉजी में देखिए ना, बहुत आगे निकल चुके हैं देश हमारा। इकोनॉमी में? अच्छा, इकोनॉमी में पहले से बेहतर हुआ है। बस 10 से 5 पे आ गए, यही तो बेहतर हुआ है। चाइना से बड़ी इकोनॉमी बन गया क्या? चाइना की इकोनॉमी कितनी है? 19 ट्रिलियन। हमारी कितनी है बताओ? फिर बताओ ना, तो फिर कैसे हकीकत बन रहे हैं? कंपैरिजन करना है तो सही देशों से करो। 9 साल ही हुए ना, आप 9 साल में तो बेहतर हुआ है, अभी और मौका दीजिए, एक बार और मौका दीजिए। 9 साल में इतना विनाश किया है ना मोदी जी ने, इतनी फेकम फाक मचा रखी है ना, तो क्या विनाश कर? सारा ही विनाश है, बिल्कुल सत्यानाश कर दिया देश का। और कितना सत्यानाश कराओगे मुझे बताओ? जो बीजेपी के बलात्कारी थे 3 बनारस वाले, क्या हुआ उनका? बुलडोजर चल गया क्या? फिर कब चलेगा? गिरफ्तार हो गए, चल जाएगा, टाइम दीजिए। पूछता है ना भारत, कब चलेगा? अभी राम मंदिर वाला, मीरा रोड वाला जो केस था, ठीक, उस पर तो तुरंत चल गया महाराष्ट्र में, बलात्कारियों पर चलने में देर क्यों थी भाई बताओ? अरे वो तो अवैध कब्जा थे भाई, जिनका अवैध होगा उन्हीं पर चलेगा ना बुलडोजर। ये जानना चाहता हूँ मैं कि सरकार को अवैध कब्जे का पता तभी क्यों लगता है जब कोई दंगा होता है या कोई हादसा हो जाता है। अगर अवैध कब्जा है तो हादसे से पहले भी अवैध कब्जा है, ठीक है। अगर गलत निर्माण है तो किसी दुर्घटना से पहले भी गलत निर्माण है, पहले क्यों नहीं टूट रहे? और अगर वो पहले से अगर नहीं टूट रहे वाजिब हैं, तो फिर घटना के बाद कैसे अवैध हो जाते हैं? और अवैध निर्माण को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, वो नोटिस पीरियड, वो सूचना देना, वो कानून व्यवस्था, वो कुछ होगा कि नहीं होगा? मान लिया अवैध थे तो लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है कि आज अवैध समझ में आया और अभी बुलडोजर लेके पहुंच गए? बुलडोजर का विरोध नहीं है, बुलडोजर जिस तरीके से यूज़ हो रहा है ना उसका विरोध है। विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में, ये बताइए। नहीं हुआ जी, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या लगता है चाचा, विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में? विकास हुआ, हुआ है। क्या क्या हुआ है? रोड बनवा दिए, माँ बेटी सुरक्षित है, जगह जगह टॉयलेट बनवा दिए। ये देखिए इधर आइए, आपको तो दिखता ही नहीं है कुछ। माँ बेटी सुरक्षित है, रोड बनवा दिए, सारा काम हो गया। किसकी माँ बेटी सुरक्षित है? देश की। अच्छा, जो भाई साहब बोलते हो मैं उनसे ही कहता हूँ कि वो उत्तर प्रदेश में किसी भी कॉलोनी के अंदर, ठीक है, जो थोड़ा सा गर्मियों के टाइम में या सर्दियों के टाइम में भी रात को 11 बजे के बाद घूम कर दिखाएं कॉलोनियों में, ठीक है, और भेजे। मैं कह रहा हूँ कोई आदमी नहीं भेजेगा भैया, कोई सुरक्षित नहीं है, ठीक है। सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, इसलिए मोदी को चुनते हैं। एक फर्जी नारा है जो मोदी सरकार ने अपनी पार्टी के लिए और अपने लिए बताया है। हकीकत किसकी बुन रहे हैं? वो अपने। मोदी जी ने सपना देखा था कि बीजेपी सबसे अमीर पार्टी बनेगी, बना दी। मोदी जी ने सपना देखा था कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी जी कुछ भी काम नहीं करेंगे लेकिन बार बार चुने जाएंगे, ये सपना हकीकत कर दिया उन्होंने। मोदी जी ने ये कहा था कि सरकार नहीं भी बनेगी किसी राज्य में तो जोड़ तोड़ के विधायक खरीद के हम सरकार बना लेंगे, ये उनकी हकीकत है सपने की। विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन चुका है भारत। कौन से विश्व में डंका बज रहा है ये बताओ मुझे? हर जगह डंका बज रहा है। कहाँ बज रहा है? कौन से देश में डंका बज रहा है जरा सुनना चाहता हूँ। उस देश में जाओ तुम पहले, कहाँ डंका बज रहा है ये बताओ? मालदीव देखिए किस तरह झुक गया। कहाँ झुक गया? लेकिन नहीं सर, सत्ता पलट गया आज, नहीं देखा आपकी खबर? देखा नहीं आपने? वो एक बंदे का वीडियो देख रहा था मैं कि एक ऐसा बिजनेसमैन 200 इसकी बहन की टें वैसा बोलता है और कहता है वो इतना पैसा दे दे हमें, बहुत सारा पैसा दे दे, प्रधानमंत्री बना दे फिर हमें, ठीक है, वो हमें बहुत सारा पैसा दे दे, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, फिर हम उसे पैसा लौटा रहे हैं 100-100 गुना, 200-200 गुना लौटा रहे हैं, पब्लिक का लौटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ठीक, हम उसका कर्जा माफ़ कर रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें पार्टी में फंड दे रहा है और उस फंड से वो पार्टी कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मोदी जी ने क्या किया है? गौतम अडानी को अमीर बनाया है, ठीक है, देश के उद्योगपतियों की जेबें भरी है, देश के गरीब व्यक्ति की जेब में क्या आया? खजाना खाली, अकाउंट खुलवा दिया, जो घर में जमा पूंजी थी वो अकाउंट में रखवा दिया और अकाउंट खाली। डिजिटल भारत हो गया भाई, पहले जाना पड़ता था बैंकों में आपको कुछ भी काम होता, आज ऑनलाइन बैठे घर बैठे काम हो जा, डिजिटल हो गया इंडिया। हाँ, तो ऑनलाइन जेब भी तो कट रही है आपकी, और डिजिटल होने की शुरुआत राजीव गांधी ने करी थी और NPCI मनमोहन सिंह लाए थे। UPI जैसा प्लेटफॉर्म मनमोहन सिंह की देन है, मोदी जी की तो देन है नहीं।
और मोबाइल क्रांति भी भैया कांग्रेस की सरकार में आई थी। आपको पता होगा ना, रिलायंस और टाटा इंडिकॉम के फ़ोन जब आए थे तब बीजेपी की सरकार तो थी नहीं। शाइनिंग इंडिया के नारे के साथ अटल बिहारी वाजपेयी घोषणा करके गए, लॉन्च किया भैया कांग्रेस की सरकार ने, तो बताओ कहाँ है डिजिटल। भाई देखो, जब कोई पिछली गवर्नमेंट फ्रेम बिछा गई, फाउंडेशन तैयार कर गई और आने वाली गवर्नमेंट को उससे आगे काम करना तो कर गई। मोदी जी ने अपना क्या योगदान दिया, मोदी जी की अपनी क्या सोच है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कांग्रेस की सोच थी, नोटबंदी मनमोहन सिंह ने भी करी थी जिसमें डेट के हिसाब से नोट बंद किए जाते थे, ठीक है, 1000 का नोट 500 का नोट। उससे पहले जब मेजोरिटी की सरकार नहीं थी 1997 के आसपास आए हैं, ठीक, 2000 के बाद आए हैं। तो एक बात बताओ, जो चीज़ें बाद में चालू हुई उसको मोदी जी ने बंद कर दिया, उसके बाद भी करप्शन पर कोई लगाम नहीं हुई। उज्ज्वला योजना तुम देख लो, सिलेंडर बट रहे हैं फ्री में, लेकिन सिलेंडर सस्ते, गैस सस्ती कब होगी? सिलेंडर भरवाने का पैसा पब्लिक को कौन देगा? घर बनाने के लिए पैसे दिए मोदी जी ने, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक किराएदार दिखा दें मोदी जी और बीजेपी सरकार दिखा दें कि जो बंदा पहले किराए पर रहता था, मोदी जी ने उसे 2.5 लाख छोड़ो 1 लाख भी दियो के लिए अपना मकान खरीद ले। 2.5 लाख रुपये किस व्यक्ति को मिले जिसके पास अपना घर था, टूटा था, फूटा था, जमीन थी, झोपड़ी थी, था, उसको 2.5 लाख रुपये मिले हैं। लोगों ने अपने बने बनाए घर तोड़ दिए सरकार से पैसा लेने के चक्कर में, ठीक है, और उसमें भी करप्शन है। निगम पार्षद और प्रधान ने 50-50 हज़ार की करप्शन खाई है, रिश्वत खाई है, तब जाके लोगों को पैसा मिला है। तो ये तो देश में हर घर मोदी तो हो रहा है ना, जहाँ देखिए हर घर मोदी, हर हर मोदी तो मच रहा है, धूम मच रही है, मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो गारंटी है, झूठ की गारंटी है, बिल्कुल सही बात है। मोदी है तो महंगाई की गारंटी है, मोदी है तो झूठ की गारंटी है, मोदी है तो फेकम फाक की गारंटी है, मोदी है तो देश में बीजेपी ज्वाइन कर लो, बलात्कार कर लो, तुम पे कार्रवाई नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी है। सब कुछ साबित हो जाएगा 24 में, कौन आएगा? मोदी आएगा, मोदी आएगा, अभी सारे दम लगा ले, मोदी आएगा। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, बात तो मैं भी कह रहा हूँ, ये लिख कर देने के लिए भी तैयार है, लिखना ही नहीं आता होगा इन्हें। एक मिनट, यदि मोदी 24 में नहीं आया तो उस दिन से नौकरी करना छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी, आप क्या करो, इतनी बड़ी गारंटी दे रहे, गारंटी जिस दिन से मोदी नहीं आएगा इसमें कांग्रेस सरकार आएगी, मैं नौकरी देना शुरू कर दूंगा, तुम मेरे यहाँ नौकरी पे आ जाना, ठीक है। अब सुनो, मोदी है तो मुमकिन है, बात तो सही कह रहे हैं, मोदी है तो झूठ बोलना मुमकिन है, ठीक है, मोदी है तो देश में महंगाई मुमकिन है, ठीक है, बताओ आइए, विकास हुआ कि नहीं धरा चाचा? अच्छा छोड़िए उनको, आप विकास हुआ कि नहीं? बहुत हुआ है। क्या क्या हुआ है? क्या क्या विकास हुआ? नहीं हुआ ये बताओ ना, आप बताइए, नहीं हुआ हर कुछ हुआ है। 3 तो रजनीगंधा की कंपनी खुली है, ठीक है, पल्स की कंपनी खुल गई, ठीक है, इसके अलावा राजदरबार की खुल गई, शिखर की खुल गई, हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सरकार में कमाई अच्छी हो रही है, कमा लिया हमने, फ्री राशन दे रहे, बोलिए फ्री राशन दे रहे, खाएंगे 2 महीने में 2 बार, एक चावल का तनका भी हमने लिया नहीं आज तक, नहीं लिए, नहीं, मोदी बहुत खुश है। मोदी आएगा उन्हीं लोगों के लिए जिनके दिमाग में धर्म भरम चलता है, ठीक है, आएगा नहीं, हम लाते हैं सरकारों को, ठीक है। ये लोग जब ऐसा कहते हैं ना आएगा तो मोदी, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता है क्या कह रहे हैं कि हमने चुनाव आयोग से सेटिंग कर ली है, बीजेपी ने चुनाव आयोग से सेटिंग कर ली है, देश में देश के वोटर्स का मजाक उड़ाना हो गया ये कि तुम बेटा कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी, मतलब वोटर्स कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे लेकिन ये कह रहा आएगा तो मोदी, यानी हर चीज़ मैनेज है, सब कुछ डिसाइडेड है। इसमें विकास तो हुआ है, ये पीछे रोड ही देख लीजिए पहले कितना था, भी कितना है, चौड़ा हो गया है, 4 लेन का था ये, ठीक है, 16 लाइन का हाईवे हो गया ये, लेकिन इसके बाद भी क्या ट्रैफिक की स्थिति पी कार में रुकी है मुझे बता दो। ये बीच का जो रोड है वो पेड रोड है, ठीक है, अभी अटल सेतु बना है महाराष्ट्र में और लोग रोड देख रहे हैं लेकिन रोड पर होने वाले खर्चे नहीं देख रहे। अटल सेतु पर एक कार का 1 महीने का गुजरने का जो टोल है वो 12,000 रुपये है। मारुति सुजुकी जो 2023 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली टैक्सी कार थी उसकी EMI आती है 10,000 रुपये और आदमी टोल भरेगा 12,000 रुपये। ये विकास हुआ है। इस पर चले जाओ छिजारसी पर आगे टोल लगता है 35 किलोमीटर, आगे टोल है 35 किलोमीटर, चलने के बाद 250 रुपये आपको खर्च करने पड़े। चलेंगे तो टोल तो देना पड़ेगा आपको, इस्तेमाल करेंगे तो टोल तो देना। 35 किलोमीटर के अगर आप 250 रुपये दे रहे हैं तो जानते हैं आप कितने रुपये किलोमीटर का खर्चा दे रहे हैं? लगभग 8-9 रुपये पर किलोमीटर। तो ये रोड 8-9 रुपये पर किलोमीटर, उसके बाद गाड़ियों पर लगने वाला रोड टैक्स, RTO टैक्स, और हमारे पास हमारी जेब से हर चीज़ खरीदते हैं उसका है NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता, ये देश वेलफेयर देश है, सरकार को समाज कल्याण के साथ काम करना होता है, पब्लिक के फायदे के लिए काम करना होता है, सुविधा के साथ साथ जनता की जेब में पैसा भी बचना चाहिए। क्या इस रोड के बनने से किसी गरीब आदमी की जेब में 10-20 रुपये बचने चालू हुए? मुझे बताओ, रोड बनने से क्या हुआ? पहले आए दो, पहले से आए दुगनी हो गई है ना, पहले 200-300 रुपये कमाते थे, अब 800 रुपये कमा रहे हैं एक दिन का। चलिए मैं बता देता हूँ, 2004 में बिहार से ही लेते हैं, अभी नीतीश कुमार जी वहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके, बिहार सबसे गरीब राज्य है। आज तो मैं स्थिति बताता हूँ लोगों को गुमराह कैसे किया जाता है। 2005 में जो बिहार की
प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग 9,000 रुपये थी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। और 2019 में कितनी हो गई? 46,000 रुपये हो गई। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि 2005 में 9,000 रुपये में जितना सामान खरीदा जा सकता था उतने सामान को खरीदने के लिए 2019 में 40,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यानी 2005 के 9,000 रुपये 2019 के 40,000 रुपयों के बराबर थे। तो क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ी? अगर तुम देखोगे कांग्रेस की सरकार में प्रति व्यक्ति आय अगर 15,000 थी तो वो 15,000 रुपये 2024 के 50,000 रुपये के बराबर थे। आज 50,000 रुपये का खर्चा है, आज 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो भी गई तो देश की क्या तरक्की हुई? देश तो वहीं का वहीं खड़ा है। लोगों को इस तरीके से गुमराह किया जाता है। मनी इन्फ्लेशन नहीं देख रहे लोग, मुद्रास्फीति नहीं देख रहे कि मनी की वैल्यू कितनी घट रही है। 2014 में 15,000 में जितना सामान आता था उतने सामान को खरीदने के लिए 2024 में आपको 50,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो उस 15,000 की वैल्यू आज के 50,000 की वैल्यू के बराबर है हुई ना। तो कहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी? भाई आपने इनकम बढ़ाई इतनी और खर्चे बढ़ा दिए इतने, तो मुद्रास्फीति तो आएगी ना। मनी इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को दिख तो रहा है पैसा बढ़ गया, लेकिन आज लोग 25-30 हज़ार कमाने के बाद भी मुश्किल से अपना खर्चा चला पा रहे हैं। पहले का आदमी 5,000 में भी अपना खर्चा भरपूर तरीके से चला रहा है। तो कह रहे कहाँ महंगाई है, खुश हैं वो। कौन कह रहा है महंगाई नहीं है? तभी महंगाई है कि नहीं बीजेपी राज में? महंगाई है, महंगाई है। अच्छा इधर आइए, महंगाई है कि नहीं बीजेपी राज में? इधर आइए, इधर आइए। महंगाई तो है, महंगाई है। क्या लगता है भाई महंगाई है? हाँ महंगाई है, महंगाई है। क्या लगता है 24 में कौन आएगा? क्या पता अगली बात मोदी जी आएंगे और कौन आएंगे? मोदी जी आएंगे। सही चल रहा है और क्या है? सही चल रहे हैं। क्या क्या अच्छा काम किया उन्होंने? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या? सही चल रहा है। क्या लगता है भैया कौन आएगा? लग रहा राम मंदिर में मान लो मीटिंग चला था, लग रहा घरे घर झंडा फहरा दिया मान लो कि, इसका मतलब बीजेपी आएगा। इस बार भगवा पर वोट देंगे क्या? इस बार भगवे के नाम पर वोट बताता हूँ। देखो राष्ट्र हित में सोचना और राष्ट्रभक्त होना और देशभक्त होना, ठीक है, और बीजेपी का भक्त होना, उसमें फ़र्क क्या होता है ये हमें समझ में आ गया। 22 जनवरी को जब मंदिर का उद्घाटन था, देश में आरएसएस वीएचपी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इन सब ने घर घर जाके कैंपेन किया, चावल बांटे, झंडे बांटे, भगवा झंडे बांटे। क्यों? रामलला आ रहे हैं, भगवान राम आ रहे हैं, यानी राम आने की इतनी खुशी थी कि इन्होंने हर हिंदू के घर पर झंडा लहरवाया। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो अपने धर्म के प्रति अच्छे हो। लेकिन ये बीजेपी के सपोर्टर थे, बीजेपी की को पार्टियाँ हैं, सहयोगी दल हैं, ठीक है, और इन्होंने घर घर जाकर झंडा बांटा और लोगों से निवेदन किया कि अपने घर पे झंडा लहराओ, कट्टर सनातनी और राम जी आ रहे हैं। ये सनातनपन, ये कभी देशभक्त नहीं हो सकते। इसकी व्याख्या कैसे पता चलती है? क्योंकि जब गणतंत्र दिवस आया, 26 जनवरी आई, कोई सा आरएसएस का नेता घर घर गया हो, किसी को तिरंगा बांटा हो, कोई सा बजरंग दल का नेता घर घर गया हो, किसी को झंडा बांटा हो, तिरंगा बांटा हो, किसी से आवेदन किया हो, निवेदन किया हो कि अपने घर पर तिरंगा लहराना, सबके घर पर भगवा तो आसानी से लहर गया इस देश में, लेकिन सबके घर पर तिरंगा नहीं लहरता। ठीक है, देशभक्त होने के लिए ना देश के लिए सोचना पड़ता है। तुम राम भक्त तो बन सकते हो, ठीक है, तुम मोदी भक्त तो बन सकते हो, लेकिन देशभक्त नहीं बन सकते। देशभक्त बनने के लिए तुम्हें घर पर तिरंगा लहराना पड़ता। मैंने ये पहली बार देखा कि 22 जनवरी को भगवा जितना लहरा था, 26 जनवरी को तिरंगे की उतनी ही कमी थी। लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा नहीं लहराया, किसी ने भगवा ही लहरा था उसके ऊपर ही तिरंगा लहरा लेते। अगर राष्ट्र का इतना सम्मान था तुम्हें, राष्ट्र के संविधान का इतना ही सम्मान था,